और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बीएसपी अध्यक्ष मायावती की बड़ी कार्रवाई, आकाश आनंद के खिलाफ कार्रवाई, नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाए गए आकाश आनंद। इस वक्त की बड़ी खबर है, आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया है। ये एक बड़ा फैसला लिया गया है, बड़ा कदम उठाया गया है। बीएसपी के उत्तराधिकारी की भी जिम्मेदारी छीन ली गई है। मायावती ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, आकाश आनंद को अहम जिम्मेदारी से हटा दिया गया है। राजीव सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजीव, इतना बड़ा फैसला, इसके पीछे की वजह क्या? देखिए, दरअसल मेनका बीते 28 अप्रैल को आकाश आनंद ने सीतापुर में एक भड़काऊ बयान दिया था, विवादित बयान दिया था, जिसके बाद FIR दर्ज की गई थी, जिसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती खासा नाराज थी। और उसी को लेकर जो आकाश आनंद की आगामी जनसभाएं थी, पहले उनको रद्द किया गया और आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर यह ऐलान कर दिया है कि आकाश आनंद, जिन्हें बसपा का उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और जो बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, उनको दोनों जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान के लिए सामाजिक परिवर्तन का मूवमेंट भी है, जिसके लिए मान्यवर काशीराम और खुद उन्होंने पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गत देने के नई पीढ़ी को तैयार किया जा रहा था। लेकिन आकाश आनंद में अभी अपरिपक्वता है, उनमें मेच्योरिटी नहीं है और जब तक उनमें मेच्योरिटी नहीं आती तब तक उनको इन दोनों जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। बिल्कुल बीच चुनाव, राजीव, बीच चुनाव जब बीएसपी भी कड़ी टक्कर देने की बात कह रही है कि बीएसपी इतनी सीटें लाएंगी कि इतिहास बदल जाएगा, और ऐसे समय में आकाश आनंद को जो उत्तराधिकारी भी नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बड़ी जिम्मेदारी से हटा देना, कितना बड़ा झटका बीएसपी के लिए साबित हो सकता है ये? अब देखिए, कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती अपने अनुशासन के लिए जानी जाती रही हैं, चाहे वो जब सरकार में रही हो या फिर अभी मौजूदा हालात में। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये संदेश दिया है कि अगर कोई जो पार्टी की नीति और रीत के खिलाफ जाएगा तो फिर वो चाहे जो हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने खुद अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र भी किया है कि जिस तरह से अभी उनमें अपरिपक्वता होने के कारण उन्हें हटाया जा रहा है और जैसे ही उनमें परिपक्व आएगी तब उनको देखा जाएगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने उनके पिता आनंद कुमार को, जो पार्टी की मूवमेंट की जिम्मेदारी है वो पहले की तरह निभाते रहने की बात कही है। उन्होंने ये साफ किया है कि पार्टी मूवमेंट के हित में बाबा साहब अंबेडकर का कारवा को बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग व कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगी, और यही कारण है कि आज उन्होंने अपने भतीजे के खिलाफ भी बड़ा कदम उठाया है। बिल्कुल, और बने रहे हमारे साथ राजीव। इस वक्त की बड़ी खबर, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दे कि बीएसपी सुप्रीमो ने बड़ा फैसला लिया है, आकाश आनंद के खिलाफ कार्रवाई की है। दरअसल आकाश आनंद ने 28 अप्रैल को सीतापुर में जो भाषण दिया था तो कई विवादित बात उन्होंने कही, जिसे लेकर उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ, जिसके बाद उनके जो दूसरे कार्यक्रम थे वो रद्द कर दिए गए। और अब बीएसपी की ओर से, मायावती की ओर से यह साफ किया गया है कि अब भी आकाश आनंद पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, जिस वजह से जो बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी उन जिम्मेदारियों को उनसे हटाया जाता है। तो अनुशासन तोड़ना किसी का भी बर्दाश्त नहीं, मायावती ने इस फैसले से ये एक बड़ा और कड़ा संदेश देने की कोशिश की है।